Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 2. And we are back again with a new chapter in this video. So, let's start. This is chapter number 7, Decorative Plants. Yani ki wo plant jinse hum apna ghar sajate hai. Right? Chaliye shuru karte hai. Decorative plants are grown for beautifying gardens and homes. तो डेकोरेटिव प्लांट्स हम अपने घर में रखते हैं ताकि हम अपने गार्डन, अपने कमरों को और अपने वरांडा को ब्यूटीफाई कर सके, उन्हें सजा सके. दे एनहांस अ सर्टेन एलिगेंस एंड फ्रेशनेस, और उससे एक सर्टेन एलिगेंस और एक फ्रेशनेस हमारे पूरे घर में फैलती है, और उससे हमारे घर में हमें ज्यादा रिफ्रेशनेस फील होती है. तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं, जिनको ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती. राइट, हियर आर सम ब्यूटीफुल एंड फ्रेश डेकोरेटिव प्लांट्स टू रीड अबाउट एंड ब्रिंग होम. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर वन इज मनी प्लांट. यस, मनी प्लांट इज द मोस्ट कॉमन प्लांट इन इंडियन होम्स. आपके हर किसी के घर में आई गेस मनी प्लांट नाम का पौधा तो जरूर होगा. राइट, उसकी बेल बहुत लंबी होती है और उसके ऊपर हर जगह लाइट ग्रीन कलर के पत्ते लगे होते हैं. इट हैज ग्रीन हार्ट शेप्ड लीव्स फेडेड विद स्ट्रीक्स ऑफ व्हाइट, येलो एंड ब्लैक स्ट्रीक्स. तो उसके पत्ते हार्ट शेप के होते हैं और उसके ऊपर येलो और ब्लैक और व्हाइट कलर की धारियां बनी होती हैं. राइट, दिस प्लांट फिल्टर्स आउट द एयर एंड इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनफ्लो इनसाइड द हाउस. और इस प्लांट से ये माना जाता है कि घर में पैसा तो आता ही है, प्लस इस प्लांट का ये फायदा है कि इससे घर में हमारा एयर जो है उसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, वो हमारे घर में फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है. राइट, चलिए सेकेंड वाला देखते हैं. पेटूनिया इज अ वेरी कॉमन गार्डन एंड इंडोर प्लांट. पेटूनिया एक ऐसा फ्लावर है जो कि बहुत ही कॉमन है, इंडोर प्लांट है. राइट, इट्स ओरिजिन इज इन साउथ अमेरिका. तो ये साउथ अमेरिका में पाया ज्यादा जाता है, ज्यादातर ये वहीं पाया जाता है. इट हैज फनल शेप्ड कलरफुल फ्लावर्स एंड स्मॉल शार्प लीव्स. तो इसकी छोटी छोटी तीखी पत्तियां होती हैं और ये दिखने में फनल टाइप होता है, मतलब ये ऐसी शेप का होता है. राइट, दे आर फाउंड इन पर्पल, मोव, पिंक, रेड, व्हाइट एंड मजेंटा कलर्स. तो ये बहुत ही अलग अलग सुंदर सुंदर कलर्स में आता है, जैसे कि व्हाइट, पर्पल, रेड, मजेंटा, पिंक, मोव एटसेट्रा. राइट किड्स, तो अगर आपके घर में ये प्लांट नहीं है तो आप अपनी मम्मा को कहकर ये प्लांट घर में लगवा सकते हैं, इससे आपका घर बहुत सुंदर लग सकता है. नंबर थ्री है कैक्टस. यस, यानी कि वो कांटेदार पौधा. कैक्टस इज कॉमनली टेकन एज अ डेजर्ट प्लांट. कैक्टस को हम ज्यादातर ये समझते हैं कि वो एक डेजर्ट प्लांट है, यानी कि वो सिर्फ डेजर्ट में पाया जाता है. बट has around 1750 known species and some of these produce beautiful flowers. But सिर्फ एक कैक्टस की ही 1750 यानी कि 1750 डिफरेंट स्पीशीज हैं जिनको हम अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए. राइट किड्स, तो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं कैक्टस की जिनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल भी उगते हैं. राइट, इट कैन बी वॉटर्ड वंस एवरी 2 or 3 months. और ये इतनी लो मेंटेनेंस का प्लांट है कि इसको हम 2 या 3 महीने में एक बार पानी भी दें तो भी ये आराम से सरवाइव कर पाता है. चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं. तो किड्स, नेक्स्ट इज लैवेंडर. यस, लैवेंडर इज अ हर्ब एंड इज नेटिव टू नॉर्दर्न अफ्रीका एंड माउंटेनियस रीजन ऑफ द मेडिटेरेनियन. तो किड्स, लैवेंडर एक ऐसा ब्यूटीफुल हर्ब प्लांट है जिसका आप ऑयल भी यूज करते हैं और जिसकी और दूसरी आइटम्स भी आप यूज करते हैं. और बेसिकली ये जो प्लांट है ये ज्यादातर जो है नॉर्दर्न अफ्रीका और माउंटेनियस रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन में पाया जाता है. ये लाइट लाइट पर्पल कलर का प्लांट होता है, इसमें फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर पर्पल कलर के लगते हैं. It has a pleasing fragrance that spreads the entire house. Its oil has special antiseptic properties. तो इसकी बहुत ही प्यारी सी सुगंध होती है, बहुत ही मीठी सी इसकी खुशबू होती है, जिसकी वजह से हम इसके essential oils भी बनाते हैं और वो हमारे लिए antiseptic का काम भी करते हैं.
और नेक्स्ट है हमारे पास बिलोंगिंग टू सिसिली सदर्न इटली द स्वीट पी इज अ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये है स्वीट पी प्लांट जो कि एक ऐसा प्लांट है जिस पर फूल उगते हैं और ये इटली के ही ओरिजिन में पाया जाता है, बिलोंग करता है सिसिली को। राइट किड्स, नेक्स्ट इज इट इज अ क्लाइंबर ग्रोइंग इन हाइट अप टू 1 to 2 meters। और ये एक क्लाइंबर है यानी कि ये ऊपर की तरफ उगता है। अगर आप इसको एक सपोर्ट देते हैं लाइक अ स्टिक तो ये उसके आसपास लिपटता हुआ ऊपर तक 1-2 meters की ऊंचाई तक ये उगता है। एंड इट्स फ्लावर्स आर मल्टी कलर एंड हैव अ प्लेजेंट सेंट। और इसके फ्लावर्स जो है वो मल्टी कलर के होते हैं, वो अलग अलग रंगों के होते हैं और उसकी बहुत ही अच्छी एक सुगंध होती है। राइट, ठीक है किड्स। सो इससे हमने जाना कि कितने सारे ऐसे प्यारे प्यारे फूल हैं जो हम अपने घर में रख सकते हैं। तो चलिए अब लेट मी आंसर पढ़ते हैं। Which flower is used in body lotions and beauty products? ऐसा कौन सा फूल है जो कि हमारे body lotions और creams और other products में use होता है? चलिए बताइए। Well, lavender is one of them. Right kids, आप अपना answer अपनी notebook में लिख सकते हैं। और ऐसे कौन से flowers हैं या plants हैं जो कि हमारे beauty products और lotions में use होते हैं? आप उनके बारे में थोड़ा सा research कीजिए और अपनी notebook में write down कीजिए। राइट, तो चलिए अब एक फ्लोरल क्विज खेलते हैं। चलिए किड्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नेम द फ्लावर दैट जवाहरलाल नेहरू ऑलवेज यूज्ड टू वेयर ऑन हिज कोट। तो बताइए उस फ्लावर का नाम क्या है जिसको जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब में हमेशा रखना पसंद करते थे। वो था लाल गुलाब यानी कि ए रेड रोज। 2, name the national flower of Bangladesh. Bangladesh ka national flower kaun sa hai? It's a white water lily. Yes, it's a white water lily. Next, name the national flower of Nepal. To kids, Nepal ka ek famous aur national flower kaun sa hai? Yes kids, it is Rhododendron, R-O-D-O-D-E-N-D-R-O-N, it's Rhododendron. Number 4, name the flower which is grown for its healthy edible oil. तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको हम अपने डेली बेसिस पे अपने किचन में यूज करते हैं? Yes kids, it is none other than sunflower, जिससे हम बनाते हैं mustard oil, यानी कि सरसों का तेल। तो वो है सनफ्लावर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन्फो बिट्स। पिट्यूनिया एक्सर्टा बिलोंग्स टू सदर्न ब्राजील इज वन ऑफ द रेयरेस्ट फ्लावर्स ऑन द अर्थ। पिट्यूनिया एक्सर्टा एक ऐसा फूल है जो कि ब्राजील में पाया जाता है, ब्राजील को बिलोंग करता है और ये वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट फ्लावर्स इन द वर्ल्ड है, ऑन द अर्थ है। ओनली 14 प्लांट्स वर फाउंड ग्रोइंग इन द वाइल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2007। और साल 2007 में सिर्फ और सिर्फ 14 प्लांट्स ऐसे थे पिट्यूनिया के जो कि हमने पाए थे और वो भी वाइल्ड में। कोई उसे उगा नहीं रहा था बल्कि वो खुद से अपनी नेचुरल हैबिटेट में उग रहे थे। सो किड्स, इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वो है एक रेफ्लेशिया फ्लावर। रेफ्लेशिया फ्लावर बहुत ही बड़े साइज के होते हैं और ये ज्यादातर फॉरेस्ट में उगते हैं और इनकी फ्रेग्रेंस जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो बहुत ही गंदी सी एक फ्रेग्रेंस होती है जो उन फ्लावर्स में से आती है। बट ये फिर भी रेड कलर के बहुत बड़े फ्लावर होते हैं जो कि फॉरेस्ट में उगते हैं। सो किड्स, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी, वी विल मीट अगेन इन अ न्यू क्लास ऑफ अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।